हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पंकज सिंह एंड यू आर वाचिंग ब्लिस एकेडमी। आइए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रिलेशन चैप्टर के सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन वन के फाइव के ए की बात करते हैं लोग। चलिए, उम्मीद है आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन देखेंगे। पांच नंबर क्वेश्चन का ए जो है उसमें दिया हुआ है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। जो सेट है वो ह्यूमन बींग्स का सेट है, एक टाउन का, जो एक पार्टिकुलर टाइम में टाउन में जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका सेट है। और बोला जा रहा है कि एक्स वाई से रिलेटेड तभी होगा जब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों एक ही स्थान पर काम करते होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन ए के सॉल्यूशंस के। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, आर इज इक्वल टू दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच डैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। चलिए बात करते हैं इसके रिफ्लेक्सिविटी की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव, एक्स जहाँ काम करता होगा वहीं पर एक्स को काम करना है, एक्स का रिलेशन एक्स से होना चाहिए। तो एक्स का रिलेशन एक्स से कब होगा, जब एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। डेफिनेटली अगर हम अपनी बात करें कि पंकज एंड पंकज वर्क एट द सेम प्लेस तो ये बात सही है, राम एंड राम वर्क एट द सेम प्लेस। कोई भी व्यक्ति जहाँ काम करता है वहीं पर वो खुद काम करता है। तो इस बात को कैसे लिखेंगे लोग कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, क्यों भाई, बिकज बिकज एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। क्लियर हुआ, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। तो इसको हम क्या लिख देंगे, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव बात सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, अच्छा बताइए, इफ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस देन वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस ऑल्सो। अगर राम तथा श्याम कोई दो लोग हैं और वो अगर एक ही स्थान पर काम करते हैं तो क्या श्याम और राम सेम प्लेस पर काम नहीं करते हैं, करते हैं। तो इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब हुआ, देन इम्प्लाई एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो लिखेंगे एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस। तो इफ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस देन इम्प्लाई वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। तो इस बात को क्या लिखेंगे, देन इम्प्लाई वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। अच्छा, अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन इम्प्लाई एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। सो इफ वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब हुआ कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों एक स्थान पर काम करते हैं। तो अगर वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस तो इट मीन्स व्हाट,
इसका मतलब हो जाएगा कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए, अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी आर से बिलोंग करता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दस आर इज सिमेट्रिक, दस आर इज सिमेट्रिक। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर कोई तीन लोग हैं तो हमको बात करनी है कि अगर पहला दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, तो पहला का रिलेशन तीसरे से होना चाहिए और तीनों अंडर सेम रिलेशन रिलेटेड होने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दिखाना है कि अगर x y से रिलेटेड है एंड y अगर z से रिलेटेड है, देन वी हैव टू प्रूव दैट x इज रिलेटेड टू z अंडर सेम रिलेशन। तो इसका क्या मतलब, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इफ x y बिलोंग्स टू R एंड y z बिलोंग्स टू R, देन इम्प्लाई इसका इफ x y बिलोंग्स टू R, इट मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। अच्छा, एंड y z बिलोंग्स टू R का क्या मतलब हो जाएगा, y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। अच्छा बताइए, इफ x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस एंड y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, देन x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस ऑल्सो। अगर x जहाँ काम करता है वहीं y काम करता है और जहाँ y काम करता है वहीं z काम करता है, तो क्या जहाँ x काम करता है वहाँ z काम नहीं करता है, डेफिनेटली करता है। तो इस बात को कैसे लिखेंगे लोग कि x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। अच्छा, इफ x y बिलोंग्स टू R देन x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, देन x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। इफ x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस देन इट मीन्स व्हाट, x z बिलोंग्स टू R। अगर x y R से बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब है कि x और y वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस पे काम करते हैं। तो अगर x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस तो इसका मतलब क्या होगा कि x z बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से क्या प्रूफ हम लोगों ने किया कि R जो है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि जिस रिलेशन से y रिलेटेड है, जिस रिलेशन से x रिलेटेड है y से, उसी रिलेशन से y रिलेटेड है z से, और उसी सेम रिलेशन के अंडर में x रिलेटेड है किससे, z से। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। तो क्या लिखेंगे लोग, यहाँ पर x जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हैंस R इज इक्विवेलेंस। आप पता है सबको कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है तथा ट्रांजिटिव भी है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 1K5 के क्वेश्चन नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर बी, चलिए बी पढ़िए। बी में क्या है भाई कि R इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो यहाँ पर क्या है, R इज इक्वल टू कितना है जी, एक्स वाई सच डैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि एक्स वाई से रिलेटेड कब होगा, जब दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं। अगर दोनों के का लोकेशन अगर सेम है,
एक्स तथा वाई का लोकेशन अगर सेम है तो फिर एक्स वाई से रिलेटेड होगा, अदरवाइज एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई, एक्स विल नॉट बी रिलेटेड टू वाई, एक्स वाई से रिलेटेड नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रेफ्लेक्सिव की। रेफ्लेक्सिव में क्या बताइए, हमारा लोकेशन हमारे लोकेशन के जैसा है या नहीं, मतलब अगर हम बोलें कि एक्स एंड एक्स, एक्स को रिपीट करेंगे कि एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो ये बात सही कि गलत? डेफिनेटली सही होगा। तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे, रेफ्लेक्सिविटी में कैसे लिखेंगे लोग, कि एक्स एंड एक्स, एक्स यहाँ पर सिंस एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, बिकज 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 एक्स एंड एक्स, एक्स एंड एक्स लिव लिव इन द सेम लोकालिटी, सेम लोकालिटी। इसका मतलब क्या है जी, दस दस आर इज रेफ्लेक्सिव, दस आर इज रेफ्लेक्सिव। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो यहां पर लिखेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक में क्या बताना है कि अगर एक्स रिलेटेड है वाई से तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो जिस लोकेलिटी में एक्स है अगर उसी लोकेलिटी में वाई है तो डेफिनेटली जिस लोकेलिटी में वाई होगा उसी लोकेलिटी में एक्स होगा। तो इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे कि लेट यहां पर, या ऐसे कर देते हैं लोग कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन इंप्लाई एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकालिटी, लिव इन द सेम लोकालिटी, सेम लोकालिटी। अच्छा अगर एक्स, इफ एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकालिटी तो क्या वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकालिटी नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। इफ एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकालिटी देन वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकालिटी ऑल्सो। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकालिटी, लोकालिटी। अच्छा अगर वाई और एक्स दोनों सेम लोकालिटी में है, इट मीन्स वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स क्या हो गया, आर से बिलोंग किया, दस आर इज क्या हो जाएगा, दस आर इज सिमेट्रिक, दस आर इज सिमेट्रिक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव की। किसकी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है जी, हमको तीन एलिमेंट लेना है, पहले का रिलेशन दूसरे से और दूसरे का रिलेशन तीसरे से। जिस रिलेशन के अंडर में पहला दूसरे से रिलेटेड, उसी रिलेशन के अंडर में दूसरे का रिलेशन दूसरा तीसरे से रिलेटेड होगा, और हमको प्रूफ करना है कि फर्स्ट इज रिलेटेड टू थर्ड अंडर सेम रिलेशन। पहला जो है वो तीसरे से उसी रिलेशन के अंडर में रिलेटेड है, जिस रिलेशन के अंडर में पहला दूसरे से तथा दूसरा तीसरे से। तो अब इस बात को कैसे लिखेंगे, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब कि एक्स वाई से रिलेटेड है तथा वाई जेड से रिलेटेड है। इट मीन्स एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकालिटी एंड वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकालिटी, देन इम्प्लाई कैसे लिखेंगे लोग कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकालिटी, लोकालिटी एंड 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 वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकालिटी। अब आप बताइए कि जिस लोकालिटी में एक्स है उसी लोकालिटी में वाई है, तथा जिस लोकालिटी में वाई है उसी लोकालिटी में जेड है। तो क्या जिस लोकालिटी में एक्स है उसी लोकालिटी में जेड नहीं है क्या, है। तो इस बात को कैसे लिखेंगे कि एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकालिटी, सेम
लोकालिटी, देन इम्प्लाई एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो हम लोगों ने क्या दिखाया कि जिस लोकल अगर एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, तो एक्स भी जेड से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने क्या शो कर दिया भाई, दस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दस दस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अब बताइए आर क्या है यहाँ पर, हैंस आर इज रेफ्लेक्सिव, रेफ्लेक्सिव भी है, आर इज रेफ्लेक्सिव, सीमेट्रिक भी है जी, सीमेट्रिक, एंड एंड ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी है, तो आप इसको इक्विवेलेंस कह सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पांच का सी, क्वेश्चन पांच का सी, पांच सॉरी क्वेश्चन एक के पांच का सी, एक के पांच का सी। इसमें क्वेश्चन में क्या है जी, आर इज इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है कि एक्स वाई सच डेट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो क्या है, एक्स वाई सच डेट, इसमें क्या कह रहा है जी कि एक्स इज एक्स वाई से कब रिलेटेड होगा, एक्स वाई से तभी रिलेटेड होगा जब एक्स एग्जैक्टली वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। तो यहाँ पे एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 7 cm, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, टॉलर देन वाई। चलिए अब बात करते हैं लोग यहाँ पे रेफ्लेक्सिव की, सबसे पहले बात करेंगे लोग रेफ्लेक्सिव की। अच्छा बताइए क्या कोई भी व्यक्ति खुद से स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम क्या अपने से खुद से 2 सेंटीमीटर लंबे हो जाएंगे, नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस रिलेशन के अंडर में कोई भी व्यक्ति खुद से रिलेटेड नहीं हो सकता है। तो इस बात को हम लिखेंगे कैसे, तो इस बात को हम लिखेंगे कि एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। यहां पर क्या लिखेंगे रिफ्लेक्शन में कि एक्स इज, सिंस एक्स इज नॉट नॉट एग्जैक्टली, एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, टॉलर देन एक्स, एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, सो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स आर से बिलोंग नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा, दस आर इज नॉट रेफ्लेक्सिव, इसलिए आर क्या है, रेफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या, अच्छा बताइए अगर एक व्यक्ति है राम, अगर वो श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या श्याम भी राम से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो तो 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर एक्स, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई से रिलेटेड है, इसका क्या मतलब कि एक्स इज यहाँ पर एग्जैक्टली एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यहाँ पे हमको बताना है दैट एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो क्या बताइए वाई भी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा होगा एक्स से, बिल्कुल नहीं होगा। देन इम्प्लाई यहाँ पर वाई वाई इज नॉट एग्जैक्टली, वाई इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, टॉलर देन एक्स। इसका मतलब हुआ
कि वाई एक्स से रिलेटेड नहीं है, जिस रिलेशन के अंडर में एक्स वाई से रिलेटेड है उसी रिलेशन के अंडर में, अंडर सेम रिलेशन, वाई इज नॉट रिलेटेड टू एक्स, तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो बताइए, सो यहाँ पे आर सिमेट्रिक है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लोग, ट्रांजिटिव। अब बताइए, अगर एक्स एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है वाई और तीसरा व्यक्ति है जेड, तो अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है एंड वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, अगर वाई जेड से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली लंबा है तो क्या एक्स भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा जेड से? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए, समझिए इस बात को कि अगर एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे? वाई से, और वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है एग्जैक्टली जेड से, तो एक्स जो होगा वो तो जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा ना एग्जैक्टली। तो जिस रिलेशन के अंडर में एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई जेड से रिलेटेड है, तो क्या अंडर सेम रिलेशन एक्स इज रिलेटेड टू जेड? बिल्कुल नहीं। तो इस बात को लिखेंगे कैसे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या लिखेंगे लोग कि इफ एक्स इज एग्जैक्टली, इफ एक्स इज एग्जैक्टली, इफ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एंड एंड क्या हो जाएगा? वाई यहां पर एंड वाई इज एंड देन वाई, एंड वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। फिर से देखते हैं लोग, इफ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, देन इट डज नॉट इम्प्लाई, यहां पर जो एक्स होगा क्या वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। देन इट डज नॉट इम्प्लाई, देन इट डज नॉट इम्प्लाई डैट एक्स इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, सॉरी जेड, टॉलर देन जेड। यहां पर क्या हो जाएगा? दस दस लिख देते हैं लो, डैट इज इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाई एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। लास्ट में क्या लिखेंगे कि हैंस आर इज, अब देखिए आर सिमेट्राफ्लेक्सिक था? नहीं था। आर सिमेट्रिक था? नहीं था। आर यहाँ पे ट्रांजिटिव था? नहीं था। तो क्या लिखेंगे कि हैंस आर इज नॉट रेफ्लेक्सिव, नॉट रेफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। चलिए अब डी, गिवन दैट आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स का रिलेशन वाई से है कब? जब एक्स वाई की पत्नी है, ये रिलेशन है एक्स और वाई के बीच का। हमको चेक करना है रेफ्लेक्सिव, रेफ्लेक्सिव। बताइए क्या कोई खुद की पत्नी हो सकता है? संभव नहीं है। तो यहाँ पे एक्स क्या एक्स की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे सिंस
एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स से रिलेटेड नहीं हो सकता है, बिकज बिकज एक्स कांट बी वाइफ ऑफ एक्स, एक्स वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे लोग सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, अगर एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई भी एक्स की पत्नी है? बिल्कुल नहीं। अगर सीता पत्नी है राम की, सीता इज द वाइफ ऑफ राम बट राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता, अगर सीता का रिलेशन राम से देखें तो पत्नी का है, वाइफ का है, बट राम का रिलेशन सीता से वाइफ का नहीं है, हस्बैंड का है, तो जिस रिलेशन के अंडर में सीता राम से रिलेटेड है उसी रिलेशन के अंडर में राम सीता से रिलेटेड नहीं है, दोनों का रिलेशन डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर जिस रिलेशन के अंडर में सीता राम से रिलेटेड है अगर उसी रिलेशन के अंडर में राम भी सीता से रिलेटेड हो जाते हैं तो दोनों के बीच का रिलेशन सिमेट्रिक होता, बट ऐसा नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लोग कि इफ इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन इम्प्लाई एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की पत्नी है, अगर एक्स वाई की पत्नी है देन इम्प्लाई वाई इज द हस्बैंड, वाई इज द हस्बैंड ऑफ एक्स, तब तो यहां पर वाई एक्स का क्या हो गया जी, हस्बैंड हो गया, मीन्स क्या हो जाएगा वाई इज नॉट द वाइफ ऑफ एक्स, वाई एक्स की पत्नी नहीं है, और अगर वाई एक्स की पत्नी नहीं है तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आपने क्या देखा कि जिस रिलेशन के अंडर में एक्स वाई से रिलेटेड है उस रिलेशन के अंडर में वाई एक्स से रिलेटेड नहीं है, सो आर क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव में मुझे क्या दिखाना है कि अगर एक्स है वाई है जेड है तो एक्स का रिलेशन अगर वाई से है और जिस रिलेशन के अंडर में एक्स वाई से रिलेटेड है अगर उसी रिलेशन के अंडर में वाई जेड से रिलेटेड है तो हमको बस ये शो कर देना है कि एक्स जो है उसी रिलेशन के अंडर में जेड से रिलेटेड है। लेकिन एक चीज़ है, अगर एक्स वाई से रिलेटेड है लेकिन जिस रिलेशन के अंडर में एक्स वाई से रिलेटेड है वह रिलेशन वाई और जेड के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डेफिनेटली जब वाई और जेड के बीच में वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक्स और जेड के बीच में भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर वाई का रिलेशन जेड से, जिस रिलेशन के अंडर में एक्स वाई से रिलेटेड, अगर वो रिलेशन वाई का जेड से एग्जिस्ट नहीं करता है, वाई और जेड के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर वहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कि एक्स का भी रिलेशन जेड से एग्जिस्ट नहीं करता है और उस केस में इसको हम बोलेंगे कि आर जो है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि सेकेंड फेल कब करेगा जब एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है लेकिन एक्स जेड से रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ पे फेल करता है। लेकिन या तो सेकेंड का रिलेशन थर्ड से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर वहाँ पे हम उस केस में बोलेंगे कि आर ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर क्या है जी, देन इम्प्लाई क्या हो जाएगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब यहाँ पे देखेंगे इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इफ एंड इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन वाई कांट बी वाइफ ऑफ, देन वाई कांट बी वाइफ ऑफ जेड। अगर यहाँ पर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता है यहाँ पर, तो मैंने क्या लिखा कि इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन वाई कांट बी वाइफ ऑफ जेड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे लोग कि इफ डैट इज कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई से रिलेटेड है एंड वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वाई जेड से रिलेटेड नहीं है, देन क्या हो जाएगा, देन
एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जब वाई का रिलेशन जेड से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिस रिलेशन के अंडर में एक्स वाई से रिलेटेड है, अगर वो रिलेशन इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली एक्स का रिलेशन एक्स और जेड के बीच में भी वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, सो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। मन में सवाल आ रहा होगा, तो ये तो एग्जिस्ट किया नहीं, तो फिर ये सक्सेस कैसे हुआ? अरे फेल कहाँ हुआ, फेल तो तब होता ना जब एक्स वाई से रिलेटेड है तो होता, वाई जेड से रिलेटेड होता, और अगर एक्स का रिलेशन जेड से नहीं होता, अगर एक्स उसी रिलेशन के अंडर में जेड से रिलेटेड नहीं होता, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ट्रांजिटिव फेल है। लेकिन यहाँ तो वाई का रिलेशन जेड से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वहाँ पर एक्स का जेड से नहीं, और जब जेड से एग्जिस्ट, जैसे सेकेंड वाला ही जब स्टेप फेल है, सेकेंड वाला ही हमारा रिलेशन अगर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वहाँ पे उस केस में हम बोलते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि फेल नहीं किया। तो इस केस में यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। अब जब हम क्वेश्चन फाइव के हम ई की बात करेंगे, क्वेश्चन फाइव के ई की, तो उसमें दिया हुआ है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स इज फादर ऑफ वाई। यहाँ पे गिवन डेट आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स इज फादर ऑफ, एक्स इज फादर ऑफ वाई। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन डी के, सेम एज क्वेश्चन डी, डी के समान है। यहाँ पर बात कर रहा किया जा रहा है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, और यहाँ पे कहा जा रहा है एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो आप देखिए ना, यहाँ पर जब बात रिफ्लेक्सिव की करेंगे तो एक्स कांट भी फादर ऑफ एक्स, एक्स कभी एक्स का पिता नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति खुद का पिता नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव फेल कर जाएगा। जब बात सिमेट्री की करेंगे तो इफ एक्स इज द फादर ऑफ वाई देन वाई कांट बी फादर ऑफ एक्स, एक्स अगर वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक फेल कर जाएगा। और सिमिलरली ट्रांजिटिव वाली बात करेंगे लोग कि एक्स इज द फादर ऑफ वाई बट वाई, यहाँ पर इफ एक्स इज द फादर ऑफ वाई एंड वाई इज द फादर ऑफ जेड, अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई, यहाँ पर एक्स वाई का पिता है और वाई किसी जेड का पिता है, तो एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता है। एक्स इज द फादर ऑफ वाई एंड वाई इज द फादर ऑफ जेड, तो एक्स जो होगा वो ग्रैंड फादर हो जाएगा जेड का। तो यहाँ पर एक्स का रिलेशन जो वाई से है, वही रिलेशन वाई का जेड से है, लेकिन वो रिलेशन एक्स का जेड से नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ये इसका जो सिमेट्रिक होगा और रिफ्लेक्सिव जो होगा बिल्कुल सेम होगा। हम एक ट्रांजिटिव इसका दिखा देते हैं, बाकी आप खुद से करेंगे लोग। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स इज द फादर ऑफ, फादर ऑफ वाई एंड एंड वाई इज द फादर ऑफ जेड। अगर एक्स वाई का पिता है एंड वाई इज द फादर ऑफ जेड, वाई जेड का पिता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज द ग्रैंडफादर, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ग्रैंडफादर ऑफ जेड, एक्स इज द ग्रैंडफादर ऑफ जेड। इस केस में एक्स इज नॉट द फादर ऑफ, फादर ऑफ जेड, और तब यहाँ पर एक्स का रिलेशन जेड से नहीं हो पाएगा, तो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आपने क्या देखा कि एक्स का रिलेशन वाई से जो है, उसी रिलेशन के अंडर में वाई भी जेड से रिलेटेड है, लेकिन उस रिलेशन के अंडर में एक्स जेड से रिलेटेड नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिटिव आपको दिखा दिया, लेकिन बाकी जो दो हैं रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का केस, ये हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, बिकॉज ये बिल्कुल सेम एज डी, क्वेश्चन डी के समान है। तो यहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये आप खुद से कर लेंगे डू। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन दो की, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो में कह रहा है कि सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स
रियल नंबर्स आर, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए बी सच डैट ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आपका रिलेशन है। हमको ये दिखाना है कि रिलेशन आर जो है यह ना रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। यहाँ पे एक बार फिर बता दें, थोड़ा सा जिक्र कर लें कि यहाँ जो लेस और इक्वल टू का केस है, लेस और इक्वल इसका क्या मतलब है। ये लेस और इक्वल यहाँ पर ये ट्रू होगा, इज ट्रू, इज ट्रू व्हेन आइदर लेस देन इज ट्रू और इक्वल ट्रू। ये जो केस है ये कब ट्रू होगा, ये ट्रू होगा व्हेन आइदर लेस इज ट्रू और इक्वल इज ट्रू। यहां पर अगर ये लेस वाला ट्रू है, लेस वाला अकर्ड हो रहा है तब भी ये केस ट्रू है, और अगर ये इक्वलिटी वाला केस अकर्ड हो रहा है तब भी ये केस ट्रू है, तब भी ये जो सिंबल है लेस और इक्वल टू ये ट्रू है। ये दोनों के लिए ऐसा कभी नहीं देखना है कि लेस और इक्वल जब दोनों एक साथ, बिकॉज बोथ आर नॉट अकर्ड सिमुलटेनियसली टुगेदर, दोनों कभी भी एक साथ अकर्ड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक अकर्ड तो अकर्ड हो जाता है, ये केस जो होता है वो ट्रू होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में हमको एक काउंटर एग्जाम्पल देना है। मुझे एक ऐसा रियल नंबर ढूंढना है जो खुद के स्क्वायर से ना तो छोटा हो और ना इक्वल हो। मैंने 1/2 ले लिया। आप बताइए कि 1/2 क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा होता है। 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 स्क्वायर। यहाँ पर ना छोटा होता है और ना ही इक्वल होता है। यहाँ पर आपने क्या देखा, 1/2 के स्क्वायर से ना छोटा होता है और ना ही इक्वल होता है। तो इसका मतलब कि हर रियल नंबर खुद से रिलेटेड नहीं है। तो जो रिलेशन है उस रिलेशन के अंडर में अगर हर रियल नंबर खुद से रिलेटेड है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया आपको, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी फेल कर गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दस क्या हो जाएगा, सो आर इज नट रेफ्लेक्सिव, आर इज नट रेफ्लेक्सिव। दूसरा हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक की बात करेंगे। लोग सिमेट्रिक में देखिए, मुझे दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिसमें पहले का रिलेशन तो दूसरे से है, फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकेंड, बट सेकेंड इज नट रिलेटेड टू फर्स्ट। तो इसका मतलब कि हमको दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसमें फर्स्ट जो है वो सेकेंड के या तो स्क्वायर से या सॉरी उसके स्क्वायर से आइदर छोटा है या इक्वल है, लेकिन सेकेंड वाला फर्स्ट वाले के स्क्वायर से न तो छोटा है और ना ही इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लोग, सिंस यहाँ पे 2/9 बिलोंग्स टू आर। देख लीजिए 2/9 बिलोंग्स टू आर, क्यों भाई, बिकज 2 इज लेस देन 9 स्क्वायर। 2 जो है वो 9 के स्क्वायर से छोटा है, बट 9/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों भाई, बिकज 9 इज नॉट लेस और इक्वल टू 2 स्क्वायर। 9 2 के स्क्वायर से ना छोटा है और ना ही इक्वल है। दो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लोग इसके बाद इसके ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे। ट्रांजिटिविटी में देखते हैं लोग, मुझे कोई तीन नंबर चाहिए जिसमें पहला का रिलेशन दूसरे से और दूसरे का रिलेशन तीसरे से सेटिस्फाइड होगा, लेकिन पहला का रिलेशन तीसरे से पॉसिबल नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं लोग फटाफट। हमने एक ले लिया नंबर 9। 9 इज यहाँ पे, या 19 कर देते हैं, 19 इज लेस देन 5 स्क्वायर। देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25 होता है एंड 19 इज लेस देन 5 स्क्वायर। अच्छा एंड 5 देख लीजिए, 5 इज लेस देन 4 स्क्वायर। 5 जो है 4 स्क्वायर से छोटा है। तो आप देखिए यहाँ पर डैट इज 19 जो है वो 5 से रिलेटेड है,
बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 19 5 के स्क्वायर से छोटा है, एंड एंड 5 4 बिलोंग्स टू आर, 5 भी 4 के स्क्वायर से छोटा है। तो रिलेशन तो यही कह रहा है कि अगर फर्स्ट इज लेस और इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, तो फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकेंड। तो 19 यहाँ पर 5 के स्क्वायर से छोटा है, एंड 5 इज लेस देन 4 स्क्वायर, 5 यहाँ पर 4 के स्क्वायर से छोटा है, इट मीन्स 19 इज रिलेटेड टू 5 एंड 5 इज रिलेटेड टू 4। बट देखिए यहाँ पे 19 इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू 4 स्क्वायर। यहाँ पर 19 जो है वो 4 के स्क्वायर से न तो छोटा है और ना ही इक्वल है। यहाँ पर डैट इज 19 यहाँ पे 4 से रिलेटेड नहीं है, 19 इज नॉट रिलेटेड टू 4, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आर रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे R जो था वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, R सिमेट्रिक भी नहीं था और R ट्रांजिटिव भी नहीं था। तो इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, हैंस R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द गिवन सेट 1 2 3 4 5 6। इसको हमने ए ले लिया, ए से सेट समथिंग एज आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। यहां पर ए का रिलेशन बी से कब होगा जी, जब बी ए से एक अधिक होगा, बी इज ग्रेटर देन, यहाँ पर सर बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अगर बी ए से एक अधिक है, अगर बी ए प्लस 1 की इक्वल है, तो बी ए का रिलेशन बी से होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं लोग, वी हैव बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। सो आप बताइए आर इज इक्वल टू कितना होगा। अगर आपने ए और बी को देखा तो ए और बी, चूंकि आर डिफाइंड किस पर है, इस गिवन सेट पर, तो जो आपको ए और बी दोनों के वैल्यूज लेने हैं वो किससे लेने होंगे, इसी सेट से लेने होंगे। तो अगर हमने ए का वैल्यू 1 से लिया, ए का वैल्यू अगर ए से लिया, इस ए का वैल्यू अगर हमने इस सेट ए से लिया 1, तो हमारे बी का वैल्यू कितना आएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो अगर मैंने ए का वैल्यू यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कि when a is equal to 1 then b is equal to 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2, when a is equal to 2 then b is equal to 2 plus 1 3, when a is equal to 3 then b is equal to 3 plus 1 is equal to 4, when a is equal to 4 then b is equal to 4 plus 1 is equal to 5, when a is equal to 5 then b is equal to 5 plus 1 is equal to 6। लेकिन अगर हमने a का वैल्यू 6 ले लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर b का वैल्यू 6 plus 1 आएगा और ये 7 होगा, which does not belongs to a। तो इसके आगे हम लोग प्रोसीड नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पे r का वैल्यू देखेंगे हम, R का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 1 2 1, किससे रिलेटेड होगा 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 2, का रिलेशन 3 से तो 2 3 3, का रिलेशन 4 से हो जाएगा 3 4 4, का रिलेशन 5 से होगा तो 4 5, एंड 5 का रिलेशन 6 से हो जाएगा 5 6। चलिए अब R मुझे मिल गया, अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि R इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव ऑन गिवन सेट इफ ईच एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ। अगर इस गिवन सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है,
under given relation R, then given relation R is called reflexive relation. तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब कि अगर वन सेट से बिलोंग करता है तो वन वन को कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, R से. तो चेक करते हैं लो, देखते हैं लो कि सिंस वन, देखिए A का एलिमेंट है, मैंने यहाँ पे A सपोज किया था, तो वन A का एलिमेंट है, बट वन वन डज नॉट बिलोंग्स टू R. आपने क्या देखा, वन A का एलिमेंट है लेकिन वन वन R से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब वन का रिलेशन वन से नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सो R इज नट रेफ्लेक्सिव, R इज नट रेफ्लेक्सिव. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वन पर ही बात करके खत्म कर दी, तो आप चाहे तो यहाँ पर वन पर ना चेक करके आप टू पर चेक कर सकते हैं. देखिए क्या टू A से बिलोंग करता है, तो टू टू R से बिलोंग करता है क्या, नहीं. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस टू बिलोंग्स टू A बट टू टू डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट रेफ्लेक्सिव. इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल वन टू, आप देखेंगे अगर वन पर सक्सेस हो गया तो हम टू पर चेक करेंगे, टू पर सक्सेस है, टू पर भी सक्सेस है तो थ्री पर देखेंगे, थ्री पर भी सक्सेस है तो फोर पर देखेंगे, इस तरह से बारी बारी से. अगर कहीं भी एक जगह फेल कर गया तो रेफ्लेक्सिव फेल है, तो R इज नॉट रेफ्लेक्सिव. अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक में क्या देखते हैं लोग भाई, कि पहला एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है तो अंडर सेम रिलेशन सेकेंड को भी फर्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए. तो देखिए इसका क्या मतलब, कि अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए. तो यहाँ पर वन टू, देखिए यहाँ पे सिंस वन टू बिलोंग्स टू आर, वन टू आर से बिलोंग कर रहा है, बट देखिए तो कहीं टू का रिलेशन वन से है, नहीं है. टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वन का रिलेशन टू से है बट टू का रिलेशन वन से नहीं है. तो क्या लिखेंगे, सो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक. किसी भी रिलेशन को फेल कराना हो तो बस एक काउंटर एग्जाम्पल दे देना, एक काउंटर एग्जाम्पल काफी है. अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में क्या, आप देखिए वन का रिलेशन टू से है, टू का रिलेशन थ्री से है. तो इफ वन इज रिलेटेड टू टू एंड टू इज रिलेटेड टू थ्री, देन वन शुड बी रिलेटेड टू थ्री. वन का रिलेशन होना चाहिए था किससे, थ्री से होना चाहिए था. तो अगर वन का रिलेशन टू से है और टू का रिलेशन थ्री से है, तो क्या देखिए वन थ्री इसमें कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ट्रांजिटिव फेल हो गया. मतलब जिस रिलेशन के अंडर में वन टू से रिलेटेड है एंड टू इज रिलेटेड टू थ्री, टू थ्री से रिलेटेड है, उसी रिलेशन के अंडर में वन का रिलेशन थ्री से नहीं है. तो लिखेंगे सिंस वन टू belongs to R and 2-3 belongs to R but 1-3 does not belongs to R, so R is not transitive, R is not transitive. तो आपने क्या देखा, R reflexive है क्या, नहीं है. R symmetric है क्या, नहीं है. R transitive है क्या, नहीं है. तो आप लिखेंगे hence R is neither reflexive nor symmetric nor transitive nor transitive. चलिए तुरंत इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की. क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है कि so that the relation R in R Defined as R is equal to AB such that A is less or equal to B. हम चूंकि किताब मेरे सामने है तो हम पढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि आप सबके हाथ में किताब होगा तब आप लोग इस बात को समझ पाएंगे, किताब होगा और आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन को. तो हम यहाँ पे क्या बोले कि सेट जो है वो रियल नंबर का सेट है, और R डिफाइंड कैसे है, AB such that A is less or equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. तो यहाँ पर क्या है जी, ऑन द सेट ऑफ, on the set of real numbers, on the set of real numbers, relation, real numbers R, real set of real numbers R, relation, relation R is defined as R is equal to A B such that A is less or equal to B. चलिए यहाँ पे बात करते हैं लोग कि A B से related होगा यदि A either B से less हो
और ए इज इक्वल टू बी, दोनों में से अगर कोई भी केस अगर ट्रू है तो फिर ए का रिलेशन बी से होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में देखिए हर नंबर, हर रियल नंबर खुद के इक्वल होता है। एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, सेंस एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। हर रियल नंबर खुद के इक्वल होता है, और अगर ए ए के इक्वल है तो ए का रिलेशन ए से है। तो सिंस एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, सो ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर आर क्या है जी, रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे लोग सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे देखा, मुझे क्या बताना है कि यह रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो हम एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं लोग। मैंने यहाँ पे बताया कि टू इज लेस देन थ्री बट थ्री इज नॉट लेस और इक्वल टू टू। टू जो है थ्री से छोटा है, इसका मतलब टू का रिलेशन थ्री से है, लेकिन थ्री इज नाइदर लेस नॉर इक्वल। थ्री न तो दो से छोटा है और ना ही इक्वल है, तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे, डैट इज टू थ्री बिलोंग्स टू आर बट थ्री टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की आप देखिए, इफ मैंने कोई तीन एलिमेंट ले लिया, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर ले लिया मैंने। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मैंने सपोज कर दिया कि ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है। इसका क्या मतलब, कि इसका मतलब हुआ कि ए इज लेस और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस और इक्वल टू सी। ए जो है आइदर बी से छोटा है या इक्वल है, एंड बी इज आइदर लेस देन सी और इक्वल टू सी। अच्छा बताइए, अगर ए आइदर बी से लेस और इक्वल है एंड बी इज आइदर लेस और इक्वल टू सी, तो बताइए यहाँ पर ए जो होगा वो सी से छोटा या इक्वल होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर ए इज लेस और इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सो क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। अब एक बार फिर बता देते हैं कि अगर ए का वैल्यू बी के इक्वल है या लेस है, दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू है, और यहाँ पर बी इज लेस और इक्वल टू सी, अगर बी यहाँ पर सी से आइदर लेस में है या इक्वल में है, तो फाइनली यहाँ पर ए जो होगा वो आइदर सी के इक्वल होगा और नहीं तो लेस होगा। तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू हो गया तो ए का रिलेशन सी से यहाँ पे डिफाइंड हो गया, और अगर डिफाइंड हो गया तो अगर फर्स्ट सेकेंड से रिलेटेड और सेकेंड थर्ड से रिलेटेड, और थर्ड फर्स्ट अगर थर्ड से रिलेटेड हो गया तो फिर तो ट्रांजिटिव हो गया ना। तो सो आर इज ट्रांजिटिव, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड सॉरी हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक की वीडियो हुआ। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमको चेक करके बताना है। तो यहाँ पे क्या है जी, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर रिलेशन आर इज
defined as r is equal to a b such that a is less or equal to bq. यहाँ पे क्या है भाई, a b से related होगा if either a is less than b cubed और a is equal to b cubed, दोनों में से अगर कोई भी एक true है तो फिर यहाँ पर a का relation b से defined हो जाएगा. चलिए यहाँ पे बात करते हैं लोग reflexive की. रेफ्लेक्सिव की चेक करना है तो हम लोग पहले कोई एग्जाम्पल ढूंढते हैं लोग जहाँ पे ये फेल कर जाए, देखते हैं लोग कि डिफाइंड हो रहा है कि नहीं, सक्सेस हो रहा है कि नहीं. चलिए अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 1/2, तो 1/2 बिलोंग्स टू आर, बट देखिए यहाँ पर 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. पूछिए क्यों? बिकॉज 1/2 के क्यूब्ड से न तो छोटा होगा और ना ही इक्वल होगा. और रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन आपको पता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना चाहिए. तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड कब होगा? जब वो आइधर खुद के इक्वल खुद के क्यूब से छोटा हो या इक्वल हो. अगर एक भी रियल नंबर पर ये रिलेशन फेल करता है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. तो आपने देखा 1/2 एक रियल नंबर है, लेकिन 1/2 के क्यूब से ना तो छोटा है और ना ही इक्वल है. सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ये आर रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब बात करते हैं लोग सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक के लिए देखते हैं लोग. आपने देखा यहां पर कि 2 मैंने ले लिया, 2 इज लेस देन, हमने यहां पे कर लिया 9 क्यूब्ड. 2 जो है वो 9 के क्यूब्ड से छोटा है, बट 9 को देखिए 2 के क्यूब्ड से न तो छोटा है और ना ही इक्वल है. अब ये तो मैंने तुरंत सेलेक्ट कर लिया. थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि जब भी इस टाइप के केसेज होंगे, क्वेश्चन होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे? पहला जो नंबर हम चूज करेंगे वो मैंने कुछ भी ले लिया, लेकिन सेकंड नंबर जो होगा वो लेना है जो 2 के क्यूब से बड़ा हो. तो 2 का क्यूब कहाँ तक? 8 तक. 2 का क्यूब कहाँ क्या होगा? 8. तो 8 के आगे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 9, 10, 11, 12, कुछ भी ले लेंगे लोग, और ये फेल कर जाएगा. तो आप देखिए यहाँ पर 2 is less than 9 cubed, but 9 is not less or equal to 2 cubed. That is, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 9 से related है, but 9 2 से related नहीं है. और symmetric क्या कहता है कि if x is related to y, then imply y is related to x. जिस रिलेशन के अंडर में पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, उसी रिलेशन के अंडर में दूसरे को पहले से रिलेटेड होना चाहिए. अगर ऐसा है तो रिलेशन सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं है. तो यहाँ पर क्लियर है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है. आर इज नॉट सिमेट्रिक. अब हम लोग चेक करेंगे लोग ट्रांजिटिव को चेक करते हैं लोग. मुझे कोई 3 एलिमेंट चाहिए. अब देखना मुझे है कि अगर पहला दूसरे से रिलेटेड है, कोई फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड से अगर रिलेटेड है, एंड सेकंड इज रिलेटेड टू थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड हो रहा है कि नहीं हर रियल नंबर के लिए? ये जो रिलेशन है वो हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चलिए आप यहाँ पे ऐसे केस में क्या करेंगे, जो थर्ड वाला नंबर है उसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए. मैंने यहाँ पे बोला थर्ड वाला, आपने सेलेक्ट कर लिया 2. ओके, तो अगर आपने थर्ड वाला सेलेक्ट कर लिया 2, तो आप बोलिए थर्ड के क्यूब को अगर हम देखेंगे तो कितना होगा? 8 होगा. अरे 2 का क्यूब कितना होगा? 8. तो 8 से बड़ा आप कोई भी नंबर ले लीजिए. जैसे हमने 10 ले लिया. अब इनके बीच में एक नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, वो नंबर जो जिसका क्यूब इस 10 के क्यूब 10 से बड़ा है. जैसे मैंने ले लिया 5, तो 5 जो है वो 10 के क्यूब से क्या है? बड़ा है. तो यहाँ पर 10 इज लेस देन 5 क्यूब. यहाँ पर 10 जो है वो 5 क्यूब से क्या है? छोटा है. अच्छा, यहाँ पर 5 जो है वो 2 के क्यूब से छोटा है, बट आप देखेंगे 10 जो है वो 2 के क्यूब से नाइदर लेस नॉर इक्वल. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है वो सेकंड से रिलेटेड है, सेकंड थर्ड से रिलेटेड है, लेकिन उसी रिलेशन के अंडर में फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से नहीं है. तो इस बात को कैसे लिखेंगे? सिंस 10 इज लेस देन 5 क्यूब्ड, एंड यहाँ पर 5 इज लेस देन 2 क्यूब्ड.
डैट इज इसका क्या मतलब हुआ कि 10 का रिलेशन 5 से है, इट मीन्स 10 5 बिलोंग्स टू R एंड 5 इज रिलेटेड टू 3, इट मीन्स 5 3 बिलोंग्स टू R, बट 10 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 10 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्यों भाई, बिकॉज 10 इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू 3 क्यूब्ड, सॉरी यहाँ पे 2 था जी, 2, तो यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब्ड कितना होगा 8, और 8 ना ही 10 से बड़ा है और ना ही इक्वल है, तो फर्स्ट का रिलेशन सेकेंड से है, सेकेंड का रिलेशन थर्ड से है, लेकिन फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने क्या देखा, आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग कि हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे आप लोग। चलिए, थैंक यू।